Welcome back, friends. Today we're gonna discuss the MCQ on the cement, and this is the part second. So let's get started. The first one is weight of percentage of tricalcium silicate in ordinary Portland cement, that is 50%. Okay, the next thing is water cement ratio. What is water cement ratio? Water then cement. This is weight of water, okay, upon weight of cement. वेट ऑफ सीमेंट इस पार्ट सेकेंड में थोड़ा सा अपग्रेड हुआ हुआ है, थोड़े से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, तो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड. इनसफिशिएंट वाटर कॉजेज, अगर हमारे पास इनसफिशिएंट वाटर हो देन सीमेंट को क्या होगा? सीमेंट बिकम हार्श एंड अनवर्कबल. ठीक है, अनवर्कबल. द नेक्स्ट थिंग इज एक्सेस वाटर, अगर कम हुआ तो ये होगा. एक्सेस में क्या होगा? एक्सेस में हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज सेग्रीगेशन. ठीक है, अब ये क्या होती है अगर आपको पता करना है, हमें इंडिविजुअली इनको एक्सप्लेन कर दूँगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं तो मैं बता दूँगा आपको क्या होता है डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है. नेक्स्ट थिंग, वाटर सीमेंट रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन, जो हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो है इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इसको हम एक्सप्रेस करते हैं लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग. ओके, ठीक है. तो रोल ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो ये एस्टैब्लिश किया था हमारा डफ अब्राहम ने. ओके, डफ अब्राहम. अकॉर्डिंग टू वाटर सीमेंट रेशियो रोल, ये रोल क्या कहता है? ये रोल कहता है जब हम द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द वाटर इज यूज्ड इन इट. ओके, तो ये क्या कहता है? द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट या सीमेंट डिपेंड्स अपॉन वाटर यूज्ड इन इट. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सीमेंट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो. जब हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो कम हो तो हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज नाउन एज हाइड्रेशन. ठीक है, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज हाई टेम्परेचर डिक्रीजेज. जब हमारे पास टेम्परेचर हाई हो तो हमारा डिक्रीजेज सेटिंग टाइम. ठीक है, डिक्रीजेज सेटिंग टाइम एट फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट पे कंक्रीट डजंट सेट इजली. ठीक है, कॉन्क्रीट या सीमेंट डजंट सेट ईजली. ओके, लो टेम्परेचर जब हो तो हमारे पास जो होता है वो कॉन्क्रीट स्लो सेट होता है, या हम लिखते हैं स्लो रिएक्शंस. ओके, तो वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट वो कितना होता है? 35 kg. ठीक है, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो फॉर हाइड्रेशन, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशो हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 0.35. ठीक है, क्यूरिंग शुड बी जन, जो हम क्यूरिंग करते हैं वो होनी चाहिए हमारे पास 27 degrees Celsius या ±2 degrees Celsius. ये हमारे पास टेम्परेचर है, एंड ह्यूमिडिटी जो होती है वो होनी चाहिए कितनी? 90%. क्यूरिंग कितनी देर करनी चाहिए? क्यूरिंग करनी चाहिए फॉर 7 days. ठीक है, क्यूरिंग की बात करें तो कॉन्क्रीटिंग जो होनी चाहिए वो किस टेम्परेचर की होनी चाहिए? ठीक है, कॉन्क्रीटिंग जो हमारी होती है वो होती है मिनिमम 4.5 degrees Celsius, मैक्सिमम के 38 degrees Celsius. इसके बीच में हमें कॉन्क्रीटिंग करनी चाहिए. मॉइस्चर कंटेंट इन वेट प्रोसेस कितना होता है? वो होता है हमारे पास 38 to 40%. वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस में होता है हमारे पास 12%. ओके, सीमेंट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. क्या हमारे पास क्या करता है? मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है सीमेंट से, एटमोसफेयर से. हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. ठीक है, इसीलिए जब ये एटमोसफेयर से हमारे पास मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें 3 महीने से ज़्यादा सीमेंट को स्टोर नहीं करना चाहिए. आप अगर 3 महीने से ज़्यादा स्टोर करेंगे तो हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. तकरीबन इसका भी एक टेबल है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. तकरीबन 1 साल के बाद हमारी जो कंक्रीट, जो हमारी सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है वो 40% डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितनी होती है? 1440 kg/m³. कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, पार्ट 3 में.
जैसे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होता है, 1.23 क्यूबिक फीट और 0.0347 मीटर क्यूब, और भी कुछ हैं। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को शेयर करो जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर आपको इस कहीं इसी किसी भी एमसीक्यू में कंफ्यूजन है। तो टिल देन थैंक यू।